एंड में जो कंडीशन है, जो पिच है, उसको देखते हुए चार पाकिस्तानी कैरेक्टर्स का रोल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे ख्याल में यही चार पाकिस्तानी कैरेक्टर इस मैच में पाकिस्तान के लिए फैसला कुन ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच जीता है सेकंड मैच, तो फिर पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतना भी काफी आसान हो सकता है, क्योंकि तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपने पांच सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया है इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए। तो इस मैच में जो चार पाकिस्तानी प्लेयर्स ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, उनमें जो पहला नाम है वो तो ऑफकोर्स बाबर आजम है। बाबर आजम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो आपने देखा पिछले मैच में पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट बैट्समैन फील हुए थे वो बाबर आजम थे। फिर एडिलेड का में बाबर आजम का रिकॉर्ड भी अच्छा है, वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले भी एक ओडीआई 100 स्कोर कर चुके हैं, तो अगर वो यहाँ पे सेट होते हैं तो वो एक लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। शायद पाकिस्तान टीम में वाहिद बैट्समैन वो हैं जिनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो एडिलेड में 100 स्कोर कर सकें, और अगर वो 100 स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान के बाकी बैट्समैन उनके इर्द गिर्द खेल के पाकिस्तान 270-280 तक जा सकता है, और 270-280 यहाँ पर पाकिस्तान के लिए फैसला कुन स्कोर हो सकता है पाकिस्तान अगर अपनी बॉलिंग अच्छी करता है। तो इसलिए बाबर आजम का जो रोल है एज अ बैट्समैन लंबी इनिंग्स खेल कर पाकिस्तान को चलाने के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो दूसरा ट्रम्प कार्ड मैं इस मैच में समझता हूँ वो सलमान अली आगा है। सलमान आगा को मैं ट्रम्प कार्ड क्यों करार दे रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि ये जो एडिलेड का ग्राउंड है और जो यहाँ पिच है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी और मिडिल ओवर जो है वहां पे वो प्लेयर्स कामयाब होंगे जो अच्छा मैनोवर करते हैं फील्ड को। और दूसरी बात ये कि इसकी जो बाउंड्री स्ट्रेट बाउंड्रीज है वो थोड़ी सी लंबी है, बट जो इसकी लेग बाउंड्री है और जो इसकी ऑफ बाउंड्री है वो छोटी है, और जैसे सलमान अली आगा कट मारता है, रिवर्स स्वीप मारता है, स्वीप मारता है, एंगल्स का इस्तेमाल करता है, तो वो इन छोटी बाउंड्रीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनोवर कर सकता है। यानी उसके बैटिंग स्टाइल को जो ये वाली बाउंड्रीज की डायमेंशन हैं ये बहुत सूट करती हैं। इसके अलावा कुछ ये भी है कि उसकी जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन है वो भी पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन को इतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादातर उनके पास राइट हैंड बैट्समैन ही है और राइट हैंड के सामने ऑफ स्पिनर इतना कामयाब नहीं रहता, लेकिन कुछ ओवर से निकालने के लिए, क्योंकि हल्का सा गेंद ग्रिप होगा यहाँ पे, तो पाकिस्तान के लिए वो एक 5-4 ओवर 6 ओवर निकालने के अच्छे बॉलर भी साबित हो सकते हैं, पाकिस्तान को बीच में विकेट भी दिला सकते हैं। तो इसलिए सलमान अली आगा भी मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड है। तीसरा जो इसमें होगा वो पाकिस्तान स्पिनर जो जो भी खिलाएगा, वो अभी टीम अनाउंस हो जाएगी, वो फैसल अकरम होते हैं या अरफात मिनहास होते हैं, जो भी इनमें से स्पिनर होता है अगर पाकिस्तान खिलाता है, जो पाकिस्तान को खिलाना चाहिए, अगर पाकिस्तान यहाँ पे स्पिनर नहीं खिलाता तो ये पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती करेगा, इसलिए पाकिस्तान को स्पिनर खिलाना चाहिए। फैसल अकरम मेरे ख्याल में बेहतर चॉइस है क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन अगर अरफात मिनहास भी खेलते हैं तो वो भी काम चल जाएगा, क्योंकि साथ में वो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया के जो राइट हैंड बैट्समैन है उनके सामने इनका बाहर बॉल निकलेगा, अवे बॉल जाएगा, और अवे बॉल को एडिलेड में मारना राइट हैंड बैट्समैन के लिए मुश्किल साबित होगा। फिर ये भी है कि लंबी बाउंड्रीज होने की वजह से स्ट्रेट पर अगर कोई बैट्समैन उठा के छक्का मारने की कोशिश करता है तो उसका लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे कैच भी हो सकता है, और हल्का फुल्का टर्न है और ऑस्ट्रेलिया ने इन स्पिनर को खेला नहीं होगा, तो इस लिहाज से एक संभव एक मिस्ट्री फैक्टर भी इस मैच में उनके लिए रहेगा। तो इसलिए मैं पाकिस्तान का जो भी स्पिनर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, और पाकिस्तान को अपने स्पिनर्स को इफेक्टिवली यूज करें तो पाकिस्तान को वो इवन मैच भी एडिलेड में जितवा सकते हैं। पहले यहाँ पर स्पिनर्स मैच जितवाते रहे हैं, एडिलेड की एक हिस्ट्री है। उसके बाद जो चौथा और आखिरी ट्रम्प कार्ड मैं समझता हूँ इस मैच में, वो कैप्टन मोहम्मद रिजवान खुद हैं, क्योंकि रिजवान के पास ऊपर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नंबर 4 पे बैटिंग करना जैसे हमारे ओपनर आउट ऑफ फॉर्म है, तो अगर बाबर आजम स्कोर करते हैं तो भी उनके साथ पार्टनरशिप लगाना, वो स्कोर नहीं करते तो भी बैटिंग गुलाब को रोकने के लिए रिजवान की अपनी बैटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और उनकी जो कैप्टेंसी है वो तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान को ये जो इस तरह की ट्रिकी सिचुएशन होती है जहाँ पे बाउंड्रीज एक साइड पे बड़ी हैं एक साइड पे छोटी हैं, पिच पे हल्का सा टर्न है, अंडर लाइट गेंद किसी और तरीके से बिहेव करता है, दिन में किसी और तरीके से बिहेव करता है, तो ऐसी कंडीशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, जो कप्तान की क्लेवरनेस होती है, जो उनकी शार्पनेस होती है, जो उनके स्ट्रेटजिकल डिसीजन होते हैं, जो उनके टेक्टिकल प्लान होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस लिहाज से रिजवान का जो इसमें रोल है वो भी खासा इंपॉर्टेंट होगा।